आईवीएफ से ट्विंस होने के चांसेस सिर्फ 20 से 30% होते हैं। जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तब मेरे पास लोग आते थे, हमें शाहरुख खान जैसा बच्चा करा दो, हमें सचिन तेंदुलकर जैसा बच्चा करा दो। I mean, फिर तो आपको उनके स्पर्म्स ही चाहिए ना, आप उनका बच्चा करने के लिए तो आपको उन्हीं के स्पर्म्स चाहिए होंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर फैमिली में किसी को भी ट्विनिंग की हिस्ट्री है तो नेचुरल प्रेगनेंसी में भी ट्विन्स हो सकते हैं। जिन लोगों को भी एंडोमेट्रियोसिस आफ्टर ग्रेड 2 है, सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है टुडे, वो प्लीज़ अगर आप अपना बेबी अभी प्लान नहीं कर रहे हो तो आप एग फ्रीजिंग करा दो। कुछ मैन को और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक इजैक्यूलेटरी प्रॉब्लम्स जहाँ इजैक्यूलेशन करने में प्रॉब्लम है, एरेक्टाइल प्रॉब्लम्स जहाँ एरेक्टाइल इश्यूज़ हैं, या फिर बहुत सारे मेन को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है टू हैव एन इंटरकोर्स। सी, मैस्टरबेशन से स्पर्म काउंट तो इफेक्ट नहीं होता है, बट मैस्टरबेशन से ना आपकी सेक्सुअल लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है। सी, स्पर्म काउंट को अगर इंक्रीज़ करना हो, डेफिनेटली और हेल्दी लाइफस्टाइल, आपको एंजाइम क्यूज़ लीजिए, आप अच्छा खाइए, थिंक पॉजिटिव, स्ट्रेस लेवल हैज़ टू बी लो, वाइब्रेशंस कम करिए, आपको अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मैनेज करना पड़ेगा। इससे अभी ये बाइकॉन्वेट यूनिकॉन्वेट पूछा, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है बार बार अबॉर्शन होने का। ओके, क्योंकि अंदर दीवाल है, सेप्टम है, यूट्रस ही 2 पार्ट्स में है, तो ये एक रीज़न होता है। अगर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट 3 सेंटीमीटर से ऊपर है तो आपको वो पूरी सिस्ट निकालनी पड़ती है, वरना वो धीरे धीरे आपके सारे अंडे ख़त्म कर देती है और सब कुछ अंदर चिपका देती है। हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू नवभार टाइम्स स्वास्थ्य चर्चा, और मैं हूं नेहा आपके साथ। आप सब मुझे जानते हैं और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो हमारा क्वेश्चन आंसर का सिलसिला है वो अभी आगे जारी रहेगा। तो हमारे साथ डॉक्टर गौरी बनी हुई हैं, चलिए उनसे जो हमारे और सवाल है ना वो पूछ लेते हैं। डॉक्टर, एक वर्ड बहुत आजकल कॉमन है जो मतलब सुनने में बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो है एग फ्रीजिंग, या जो महिलाओं की है। सो इसका कॉन्सेप्ट मुझे लगता है बहुत लोगों को नहीं पता। बहुत सारे सेलेब्स को हम उनकी खबरें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई इस सेलेब ने अपना एग फ्रीज करा लिया, उस सेलेब ने अपना एग फ्रीज करा लिया। तो ये क्या प्रोसेस है और इसका आईवीएफ से क्या रिलेशन है? सो सी, एग फ्रीजिंग आजकल मुझे लगता है एग फ्रीजिंग इज़ लोगों को सिर्फ अभी वो हायर स्ट्रेटा में पता है। अभी भी लोग जो एक्चुअली वर्किंग क्लास हैं, जो थोड़ा सा लेट शादी करना चाहते हैं ना, वो अभी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब भी मेरे पास लोग आते हैं वो या तो कैंसर पेशेंट्स होते हैं या बिल्कुल हाई प्रोफाइल, आई मीन अंडरस्टैंड, मतलब वो वाला स्ट्रेटा अभी नहीं है जो वर्किंग कपल्स हैं और फिर वो बाद में परेशान हो रहे हैं कि भाई मेरे एग्स नहीं हैं। सो जिन लोगों को भी एंडोमेट्रियोसिस आफ्टर ग्रेड 2 है, सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है टुडे, वो प्लीज़ अगर आप अपना बेबी अभी प्लान नहीं कर रहे हो तो आप एग फ्रीजिंग करा लो। सेकेंड थिंग, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई कैंसर वाली प्रॉब्लम है, आपको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की ज़रूरत है, सो आपके डॉक्टर को एग फ्रीजिंग या स्पर्म फ्रीजिंग के लिए रिकमेंडेशन किसी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को देना चाहिए। मेरे पास बहुत कैंसर पेशेंट्स आते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा अपना यशोदा हॉस्पिटल से बहुत सारा कैंसर पेशेंट रेफ़र होता है कि अब इसको कीमो और रेडियो देनी है, आप एग या स्पर्म फ्रीज करके रख लो, ताकि पेशेंट को भी तो एक होप होती है ना कि आफ्टर दिस मैं माँ या बाप बन सकता हूँ। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग इज़, अगर आप लेट मैरिज करना चाहते हो या फिर मैरिज हो गई और बच्चे लेट करना चाहते हो, सो आप एग फ्रीजिंग ज़रूर करो। I mean, आप अपनी करियर एज बढ़ा रहे हो लेकिन आपकी बायोलॉजिकल एज तो स्टार्ट हो गई है ना। Correct. तो एटलीस्ट अगर आपको 30 इयर्स के बाद अपना बच्चा करना है तो आप पहले ही अपनी एग फ्रीजिंग कराओ। एग फ्रीजिंग इज़ वेरी सिंपल। आईवीएफ की तरह ही हम जैसे 10 दिन के इंजेक्शंस देते हैं, हम हार्मोनल इंजेक्शंस देते हैं 10 दिन के लिए। उसमें वही फॉलिकल्स बनते हैं, नीडल डाल के एग्स निकालते हैं और एग्स को फ्रीज कर लेते हैं, सो दैट जब भी आप मूड में आ जाओ कि आपको बच्चा करना है, हम ये एग्स वार्म करते हैं, स्पर्म से मिक्स करते हैं, बेबीज बनाते हैं और आपके अंदर डाल देते हैं। तो मतलब आईवीएफ इसके बाद तो आसान ही हो जाता है एकदम। तो मतलब कि वैसे तो कहा जाता है कि अगर नेचुरली कंसीव करना है तो आपको बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ चलना है, नहीं हो रहा तो आपके पास आईवीएफ जैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन ऐसा भी तो होता होगा कि आईवीएफ की भी कोई लास्ट एज होती होगी कि भाई इसके बाद तो आईवीएफ भी काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ होता है? सी, आईवीएफ बहुत सारी चीज़ों के साथ हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द इंडियन ART रेगुलेशंस 50 इयर्स फॉर अ वुमन एंड 55 फॉर अ मैन आप आईवीएफ नहीं कर सकते हो उसके बाद। एंड अगर आपके एग्स नहीं बन रहे हैं आफ्टर 35 और 40 और 42 डिपेंडिंग अपॉन योर बायोलॉजिकल एज, आप डोनर एग्स पे भी जा सकते हो. मतलब आप बाहर से एग्स लेकर हस्बैंड का स्पर्म यूज़ करके एम्ब्रियोज बनवा के भी अपने अंदर ट्रांसफ़र करा सकते हो. वो भी एक ऑप्शन है. जैसे हम सुनते हैं 45, 46 या 47 ईयर्स में किसी का आईवीएफ हुआ है और उसके एग्स नहीं थे, तो डेफिनेटली डोनर एग्स इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर देम. डॉक्टर, आईवीएफ के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि उसमें मल्टीपल बेबीज़ या फिर यूँ कह लीजिए ट्विंस, इनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये किस हद तक सही है? सो ये बहुत कॉमन है. आई मीन कहीं पे भी, एयरपोर्ट पे, बस में, ट्रेन में दो बच्चे देखेंगे, ओह आईवीएफ बच्चे होंगे, आईवीएफ बच्चे होंगे. बट ये ज़रूरी नहीं है कि आईवीएफ बच्चे हों. आईवीएफ से ट्विंस होने के चांसेस सिर्फ 20 से 30% होते हैं. एज नॉर्मल प्रेगनेंसी में 6% चांसेस होते हैं. सो अगर फैमिली में किसी को भी ट्विनिंग की हिस्ट्री है तो नेचुरल प्रेगनेंसी में भी ट्विन्स हो सकते हैं. आईवीएफ में सिर्फ 25 या 30% चांस होता है. ज़रूरी नहीं है हर आईवीएफ साइकिल में ही ट्विन्स हों. ओके, तो आई थिंक जो हमारी ऑडियंस है उन्हें ये नोट डाउन करके रख लेना चाहिए कि जहाँ भी आप ट्विन्स देखें इसका मतलब ये नहीं है कि वो आईवीएफ से ही हुआ है. एंड ट्विन्स भी दो तरीके के होते हैं. एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स, करेक्ट, एक होते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स. अगर हमने दो बेबीज अंदर डाले हैं, राइट, यानी कि दो सेपरेट एग्स, दो सेपरेट स्पर्म्स और वो अलग अलग एम्ब्रियोज हैं, तो वो दो बेबीज हैं. सो दीज आर नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स. अगर हमने एक बेबी अंदर डाला है, एक एम्ब्रियो, और वो दो में स्प्लिट हो गया हो, सो दीज आर आइडेंटिकल ट्विन्स, बिकॉज ये स्प्लिट हो गया है, एक ही बेबी का दो पार्ट्स हो गए हैं. सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ ट्विन्स विच हैपन इन आईवीएफ. यानी कि हम सोच समझ के ट्विन्स इसमें कर सकते हैं आईवीएफ में चाहें तो. यस, हाँ, मतलब आप अपने डॉक्टर को बोल सकते हो कि मेरे दो एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र कर दो, सो आई कैन हैव अ चांस ऑफ ट्विन्स. और अगर हमें चाहिए कि एक पर्टिकुलर जीन में चाहिए बच्चा, मतलब कि उसकी वो ब्यूटीफुल होना चाहिए, उसके कर्ली हेयर्स होने चाहिए, डिज़ाइनर बेबी, डिज़ाइनर, करेक्ट, डिज़ाइनर बेबी, सो उसका क्या प्रोसेस है? मतलब वो हम कर सकते हैं, किस हद तक कर सकते हैं? सो आई विल टेल यू अ हिस्ट्री इन दिस. जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तब मेरे पास लोग आते थे, हमें शाहरुख खान जैसा बच्चा करा दो, हमें सचिन तेंदुलकर जैसा बच्चा करा दो. आई मीन फिर तो आपको उनके स्पर्म्स ही चाहिए ना. आप उनका बच्चा करने के लिए तो आपको उन्हीं के स्पर्म्स चाहिए होंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल. सो अब लोग आते हैं, हमें ब्लॉन्ड बच्चा करा दो, नीली आँखें, भूरी, भूरे बाल. सो फॉर दैट यू नीड टू हैव एग्स फ्रॉम सम लेडी जो एक्चुअली ब्लॉन्ड हो. आप अपने एग और स्पर्म से ही ब्लॉन्ड बच्चा नहीं कर सकते इंडियन सिनारियो में. सो अगर आपको ऐसा बच्चा चाहिए तो आपको एग्स या स्पर्म बाहर से लेने पड़ेंगे, कोई और ओरिजिन के, मतलब रशियंस हो या कोई हो, तभी आपको ब्लॉन्ड बच्चा हो सकता है. ओके डॉक्टर, आपने शुरुआत में एक टर्म मेंशन किया था, फाइब्रॉइड्स. सो एक तो सबसे बड़ा सवाल कि ये होता क्या है और क्या इसका मतलब इनफर्टिलिटी होता है? नहीं, फाइब्रॉइड्स एक ग्रोथ होती है यूट्रस में, जिसमें यूट्रस की जो आपकी मसल और सेल्स होती हैं वो उसके वॉल में एक तरफ इकट्ठा होकर बॉल्स बना देती हैं. अब अगर आपके यूट्रस की वॉल में फाइब्रॉइड्स हैं, सो कभी कभी बेबी स्टिक होने में दिक्कत होती है. सो फाइब्रॉइड्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है. पहली प्रॉब्लम, या तो वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, वो पड़ा होगा चुपचाप, साइलेंट, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको प्रेगनेंसी भी हो जाएगी, आपका बेबी भी हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा. दूसरी चीज़, वो आपकी बहुत सारी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. आपको ओवर ब्लीडिंग होती है, या फिर आपको प्रेशर सिम्टम्स होते हैं, आपको यूरिन ज़्यादा आता है. थर्ड थिंग इज़, वो बेबी रुकने में मदद करता है कि बेबी रुकने नहीं देता, बिकॉज वो फिर मदर से बेबी को ब्लड नहीं आ पाता है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस. चौथी चीज़ है कि फाइब्रॉइड्स अगर बहुत एनलार्ज्ड हो जाएँ तो फिर ऑब्वियसली आपका पेट आपको थोड़ा सा बड़ा दिखता है. सो ये सब रीजंस हैं. प्रेगनेंसी में अगर फाइब्रॉइड है तो अबॉर्शंस हो सकते हैं. सो कभी कभी अगर ये फाइब्रॉइड्स आपके यूट्रस की इनर लाइन, एंडोमेट्रियल लाइन को प्रेशर देते हैं, तो कभी कभी हमें ये फाइब्रॉइड्स निकालने पड़ जाते हैं बिफोर डूइंग एन आईवीएफ. बट दिस इज़ नॉट फुल इनफर्टिलिटी. कभी कभी फाइब्रॉइड्स के साथ भी हम बेबीज ट्रांसफ़र करते हैं आईवीएफ में. डॉक्टर, यूनिकॉर्नुएट और बायकॉर्नुएट की जो समस्या है ना, वो बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है. सो कहा जाता है कि अगर आपको ये समस्या है तो दो ही तरीके हैं कंसीव करने के, या तो कोई मिराकल हो या फिर आप आईवीएफ का सहारा लें. तो इन दोनों में किस तरह का प्रोसेस होता है और आईवीएफ से कैसे बच्चे कंसीव होते हैं? ओके, सो नॉर्मली ये हमारा यूट्रस है, ये हमारी अंदर की एंडोमेट्रियल लाइन है जहाँ बेबी स्टिक होता है, और ये हमारी दोनों फलोपियन ट्यूब्स हैं। ये हमारा नॉर्मली ऐसा यूट्रस दिखता है। अब अगर हमारा यूट्रस दो भाग में हो जाए, अभी ये पूरा एक भाग में है, अगर ये दो भाग में हो जाए तो इसको बाइकॉन्वेट यूट्रस कहते हैं। ओके, सो इन केसेस में भी आईवीएफ सक्सेसफुल हुआ है हमारे साथ। इसमें हम बेबी एक तरफ डाल देते हैं, और नेचुरल प्रेगनेंसीज भी कभी कभी इनमें हो जाती हैं जिसमें एक तरफ जाके बेबी स्टिक हो जाता है। यूनिकॉर्नुएट यूट्रस होता है कि जिस तरफ एक तरफ का हॉर्न ही डेवलप नहीं होता, मतलब ट्यूब ही डेवलप नहीं होती, एंड यूट्रस ऑलमोस्ट आधा साइज का होता है। ये भी प्रेगनेंसीज हमने कराई हैं थ्रू आईवीएफ। सो इट्स जस्ट नॉट मिरेकल। आई थिंक अगर आपने ठीक से एक 3D स्कैन या HSG के थ्रू पता कर लिया कि यूट्रस में क्या प्रॉब्लम है, तो हम कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन से या फिर आईवीएफ से बच्चा रुकवा सकते हैं। सो ये यूट्रस के डिफरेंट शेप्स होते हैं। कुछ यूट्रस में एंडोमेट्रियल लाइन जो आपकी यहाँ है, यहाँ सेप्टम होता है, इसको आर्कुएट यूट्रस कहते हैं। अगर ये डीपर हो तो इसको सबसेप्टेट यूट्रस कहते हैं, जिसमें नीचे से कैमरा डाल के हम एक सिजर्स के थ्रू ये ब्रिज काट देते हैं। ओके, तो पॉसिबल हो जाता है? बिल्कुल। सो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है जब आपके पास एक कपल आता है टू हैव अ बेबी, अ 3D स्कैन इज अ मस्ट। इट्स अ सिंपल अल्ट्रासाउंड, 3D अल्ट्रासाउंड, जो आपको ये बता देगा कि आपके यूट्रस के शेप में कोई ऑल्टरेशन तो नहीं है। एंड देन आप कुछ भी करो, अगर आपके यूट्रस के शेप में ऑल्टरेशन है तो उसको करेक्टिफाई करने के बाद ही आप अपना बेबी अंदर ट्रांसफ़र कराया आइए। ओके, सो डॉक्टर, ये तो ऐसी समस्या है जो हो सकता है आपको बचपन से हो। सो कब आपको लगना चाहिए कि आपको इसका 3D जो एक स्कैन है वो कराना चाहिए? कौन सा ऐसा सिचुएशन होती है? आई थिंक इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं होता है। जब आपको बेबी कंसीव करना हो तब आप आइए, अपना 3D स्कैन कराओ। नॉर्मली ऐसे आप जाके करा सकते हैं। कोई किसी प्रॉब्लम के हमें इंतज़ार में नहीं रहना है। हाँ जी। ओके, सो एक सवाल ये भी था कि जो एक होता है अबॉर्शन, या फिर यूँ कह लीजिए मिसकैरेजेस, कई बार होता है कि लोग बोल देते हैं कि अगर आपको 4 या 5 मिसकैरेजेस हो गए तो अब उसके बाद तो प्रेगनेंसी पॉसिबल ही नहीं है। सो इसका जो इसके पीछे का फैक्ट है वो क्या है? और दूसरी चीज़ ये कि कितनी अबॉर्शंस या फिर कितने मिसकैरेजेस होते हैं जब आपको लगना चाहिए कि भाई अब तो शायद नेचुरली कंसीव करना पॉसिबल ही नहीं है? बिल्कुल। सो देखो नेहा, ये आई थिंक एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आई थिंक एवरी गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, आईवीएफ डॉक्टर अपनी ओपीडी में पेशेंट्स देखते हैं जो आके कहते हैं, मैम मेरा एक अबॉर्शन हो चुका है, मुझे बच्चा नहीं हो रहा, मेरे 2 अबॉर्शंस हो गए हैं, मुझे बच्चा नहीं हो रहा। सो नॉर्मली आफ्टर 2 अबॉर्शंस हम पेशेंट्स को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं। अब ये अबॉर्शंस बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकते हैं। पहला रीज़न जो तुमने मुझसे अभी ये बाइकॉन्वेट, यूनिकॉन्वेट पूछा, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है बार बार अबॉर्शन होने का। ओके, क्योंकि अंदर दीवाल है, सेप्टम है, यूट्रस ही 2 पार्ट्स में है, तो ये एक रीज़न होता है। सेकेंड रीज़न है कि मदर में कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ हो गई, थायराइड हो गया, शुगर हो गई जो तुम बोल रहे थे, बीपी बढ़ गया, या फिर कुछ चीज़ें होती हैं लाइक एप्ला सिंड्रोम, जिसमें कुछ इम्यून सेल्स डेवलप हो जाती हैं जो बच्चे को रुकने नहीं देती हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा रीज़न है जेनेटिक्स। मैं इस पे आज चर्चा इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास जब कपल्स आते हैं 2 अबॉर्शन के साथ, तो वो कहते हैं मुझे डॉक्टर, मैंने पढ़ा या बाहर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप ना एग्स बाहर से ले लो और हस्बैंड का स्पर्म यूज़ करके उससे आप कराओ, क्योंकि आपके अंडों से बार बार अबॉर्शन हो रहा है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये पता करो कि बार बार अबॉर्शन हो क्यों रहा है। एंड इसके लिए एक सिंपल टेस्ट करना होता है, कपल कैरियोटाइप। बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट नहीं है, ये आपका 2500-3000 रुपये में टेस्ट हो जाता है, और आपको ये बताएगा कि आपके ब्लड में हस्बैंड एंड वाइफ में कोई ऐसी जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है जो एम्ब्रियो में आ रही है, यानी बेबी में, और वो बेबी बार बार अबॉर्ट कर रहा है। ऐसे हमारे पास इतने कपल्स आए हैं जिनमें हमने कैरियोटाइप करके एक जीन निकाला है, उस जीन को हमने IVF के थ्रू इन एम्ब्रियोज में टेस्ट किया है और फिर हेल्दी बेबी डाल के उनका अपना बच्चा कराया है। सो अगर आपके बार बार अबॉर्शन हो रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर से अंडे या स्पर्म लेने पड़े, आप अपने ही जेनेटिक मटेरियल से, एग और स्पर्म से अपना बेबी कर सकते हो बाय जेनेटिक टेस्टिंग। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर गौरी। एक और सवाल है फाइब्रॉइड से रिलेटेड है, वो ये है कि क्या किसी को फाइब्रॉइड्स की अगर समस्या है तो उनको मिसकैरेजेस के ज़्यादा चांसेस होते हैं? बिल्कुल, अगर फाइब्रॉइड्स बहुत ज़्यादा हैं या फाइब्रॉइड्स ऐसी जगह पे हैं जहाँ बेबी स्टिक होता है उसको प्रेस कर रहे हो ऑन द एंडोमेट्रियल लाइन, कंप्रेशन हो रहा हो, तो डेफिनेटली चांसेस ऑफ मिसकैरेज आर हायर। ओके, सो ये मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी था फाइब्रॉइड्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। एंड कुछ फाइब्रॉइड्स निकालने की ज़रूरत होती है एंड कुछ फाइब्रॉइड्स निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। सो आपको बहुत केयरफुल होना है कि आपको कौन से फाइब्रॉइड्स हटाने हैं और कौन से फाइब्रॉइड्स नहीं हटाने हैं। डॉक्टर, सिस्ट की जो समस्या है ना, उससे हर लड़की डरती है। कई बार क्या होता है कि आपको वो पानी वाली गांठ हो जाती है, वो सिस्ट हो जाता है, उसे तो आप एक इंजेक्शन से रिमूव करा सकते हो, लेकिन कई बार सिस्ट काफ़ी बड़े लेवल पर होती है जो आपकी प्रेगनेंसी में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है, एक हिंड्रेंस बन सकती है। सो क्या कुछ होता है इसका प्रोसेस, और अगर किसी को सिस्ट होता है तो उन्हें क्या सारी चीज़ें करनी चाहिए? बच्चे देखो, सिस्ट ना ओवरी में होता है जहाँ अंडे बनते हैं, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स एंड एडिनोमास होते हैं, ठीक है। अब अगर हमारी ओवरी में सिस्ट हो रहा है तो वो कुछ टाइप के सिस्ट होते हैं। पहला होता है सिंपल सिस्ट, जो पानी की गांठ होती है। अगर वो 5 सेंटीमीटर से कम है तो टेंशन की बात नहीं है, उसको हम फॉलो अप कर सकते हैं। अगर वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तब उसको इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सी आज के ज़माने में कैंसर का बहुत ध्यान रखना है। सेकेंड होती है कॉम्प्लेक्स सिस्ट, हेमोरेजिक सिस्ट, जो खून की गांठ होती हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि रेशे रेशे से आपकी एक गांठ बन जाती है, हेमोरेजिक सिस्ट। वो इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है या फिर आपका कॉपस ल्यूटियम, अनरप्चर्ड कॉपस ल्यूटियम पड़ा हो, तो वो बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक होती है एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट में क्या होता है, चॉकलेट जैसा पानी भर जाता है, और वो क्यों होता है, हमारा जो मेंस्ट्रुअल ब्लड नीचे आता है वो कभी कभी ट्यूब्स के थ्रू पीछे जाता है और ओवरी में सिस्ट बना देता है, जिसको एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कहते हैं। अगर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट 3 सेंटीमीटर से ऊपर है तो आपको वो पूरी सिस्ट निकालनी पड़ती है, वरना वो धीरे धीरे आपके सारे अंडे ख़त्म कर देती है और सब कुछ अंदर चिपका देती है। सो सिस्ट बहुत तरीके की होती हैं एंड कुछ कैंसरस सिस्ट्स भी होती हैं। सो प्रॉपर इवैल्यूएशन ऑफ सिस्ट इन ओवरीज बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपने डॉक्टर को ठीक से दिखाएं, सिस्ट को लाइटली ना लें। कुछ सिस्ट तो खैर नॉर्मल होती हैं, मतलब आप दवाई से भी ख़त्म कर सकते हो, कुछ सर्जरी से ख़त्म हो जाती हैं, बट प्रॉपर इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर, हमने यहाँ पर फीमेल्स की बात तो कर ली कि अगर उनको मिसकैरेज हो रहा है या फिर जो कुछ कंसीव करने में समस्या आ रही है उसको कैसे ठीक करना है, लेकिन मेल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो ऐसी क्या चीज़ें हो रही हैं कि अब मेल को भी मतलब IVF का सजेशन दिया जा रहा है? सो मेल्स तो देखो, अब तो खैर एरा बदल गया है। आई रिमेंबर जब प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तब मेल्स कहते थे हमारी टेस्ट की क्या ज़रूरत है, हमें टेस्ट कराने की ज़रूरत ही नहीं है। सो ऐसा होता नहीं है। आज हम मेरी OPD या क्लिनिक में 50% मेल्स को प्रॉब्लम है, 50% फीमेल्स को प्रॉब्लम है। सो वो 50% मेल्स आते हैं जिनको स्पर्म काउंट ही नहीं है, आई मीन ज़ीरो स्पर्म काउंट है या वेरी लो स्पर्म काउंट है। आजकल पीयर प्रेशर बहुत है, देन लोग फ़ोन रख रहे हैं पॉकेट्स में, ब्लूटूथ वाइब्रेशंस हैं, कुछ भी हेल्दी नहीं है, बहुत स्ट्रेस लेवल हाई है। सो दीज आर द फैक्टर्स जब आपका स्पर्म काउंट कम होने लगता है। सो बहुत ज़रूरी है कि जब आपके पास एक कपल है बेबी करने के लिए, एक मेल स्पर्म एनालिसिस 300 रुपये का लगता है, एक मेल स्पर्म टेस्ट ज़रूर कराएं। वो आपको ये बताएगा कि आपका स्पर्म काउंट कम है और आपकी वाइफ रिस्पॉन्सिबल नहीं, बट आप रिस्पॉन्सिबल हो कि बेबी नहीं हो पा रहा है। कुछ मेन को और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक इजैक्यूलेटरी प्रॉब्लम्स, जहाँ इजैक्यूलेशन करने में प्रॉब्लम है, एरेक्टाइल प्रॉब्लम्स, जहाँ एरेक्टाइल इश्यूज़ हैं, या फिर बहुत सारे मेन को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है टू हैव एन इंटरकोर्स। सो ये सब इश्यूज़ हैं जो आपकी क्लिनिक में इसलिए यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट भी होने चाहिए जो मेल्स को ठीक से हैंडल करके काउंसिल कर पाएँ. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डॉक्टर यहाँ पर हमने स्पर्म काउंट की बात की तो 2-3 सवाल मेरे माइंड में अभी अचानक से आ गए. एक तो ये कहा जाता है कि मास्टरबेशन की वजह से जो स्पर्म काउंट है वो बहुत कम होता है, ये किस हद तक सही है? सी मास्टरबेशन से स्पर्म काउंट तो इफेक्ट नहीं होता है बट मास्टरबेशन से ना आपकी सेक्सुअल लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है एंड उस कारण ना बेबी करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बिकॉज आपको इतनी आदत हो जाती है मास्टरबेट करने की कि नॉर्मल इंटरकोर्स करना आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है इवेंचुअली बिकॉज आप साइकोलॉजिकली उस चीज़ के लिए सेट नहीं होते हो. Frequent masturbations will not affect your sperm count, but definitely your normal sexual life will be affected. Okay, और अगर हमें sperm count को increase करना हो तो क्या कुछ कर सकते हैं? See, sperm count को अगर increase करना हो definitely your healthy lifestyle. आपको enzyme cues लीजिए, आप अच्छा खाइए, think positive, stress level has to be low, vibrations कम करिए, आपको अपना healthy lifestyle manage करना पड़ेगा. यानी कि लाइफस्टाइल हर चीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बहुत सारे मेन को आजकल वैरिकोसील इश्यूज हैं. एक बार इसे एक्सप्लेन कर. सो वैरिकोसील इज वेयर आपके स्क्रोटम के अराउंड जो आपकी वेन्स होती हैं वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं एंड देन जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं इन वेन्स के वाल्व्स को टाई अप करते हैं ताकि प्रेशर बढ़े ना इनमें एंड देन थोड़ा आपका स्पर्म काउंट उससे भी बेटर हो जाता है. ओके सो डॉक्टर ये सारी हमने बहुत गंभीर बातें कर ली कि आपको जो अपना लाइफस्टाइल है एक तो वो कैसे आपके प्रेगनेंसी में कंसीव में इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बट एक चीज़ जो मेरे माइंड से नहीं जा रही है वो है डिज़ाइनर बेबी वाला. आप क्या क्या चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आप डिज़ाइनर बेबी की बात करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? नेहा डिज़ाइनर बेबीज़ हम कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते. इट्स जस्ट दैट देखो हम आईवीएफ कैसे करते हैं, हम एग्स लेते हैं और स्पर्म्स लेते हैं ठीक है. अब मान लो यू एंड योर हस्बैंड ठीक है, मैंने तुम्हारा एग लिया और तुम्हारे हस्बैंड का स्पर्म लिया तो बेबी तो तुम में से किसी के एक जैसा ही दिखेगा. सो डिज़ाइनर बेबीज इज़ एग्जैक्टली द सेम थिंग कि मान लो यू वॉन्ट टू गो फॉर अ डिज़ाइनर बेबी और तुम मुझे बोलते हो मुझे तो कैटरीना कैफ जैसा बच्चा चाहिए. सो कैटरीना कैफ जैसा बच्चा करने के लिए कैटरीना कैफ के एग्स चाहिए होंगे, हस्बैंड का स्पर्म होगा, हम मिक्स करेंगे बेबीज़ बनाएंगे और फिर डालेंगे. सो डिज़ाइनर बेबीज़ में हम सिर्फ आई कलर या हेयर कलर चेंज करने के लिए हमें फिर वो ब्लॉन्ड एग्स भी तो चाहिए. सो वी हैव टू चेंज द जेनेटिक मटेरियल टू हैव द डिज़ाइनर बेबीज़. डॉक्टर हमें आईवीएफ के बारे में तो आपने बता दिया है, एक बार ये जो आईयूआई है वो क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए. सो आईयूआई इज़ जस्ट लाइक अ नेचुरल प्रेगनेंसी. जो यंग कपल्स होते हैं जिनको अपने आप बेबी नहीं हो रहा है, उनकी ट्यूब्स खुली हैं, उनका एग काउंट अच्छा है और स्पर्म काउंट 20 मिलियन से ऊपर है. सी स्पर्म काउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईयूआई. अगर उसका स्पर्म काउंट 20 से ऊपर है, दोनों फलोपियन ट्यूब्स खुली हैं, एग्स ठीक हैं तो हम इनको सिर्फ 5 दिन की एक ओव्यूलेशन इंडक्शन टैबलेट्स देते हैं जिससे हम एक एग डेवलप करने की कोशिश करते हैं ओवरी में. जब ये एग बड़ा हो जाता है और रप्चर होने वाला होता है तो हम उसके 36 घंटे बाद हस्बैंड का स्पर्म मैस्टरबेट करके लेते हैं, उसको वॉश करते हैं लैब में, उसको स्पर्म वॉश कहते हैं और फिर एक पतले से प्लास्टिक कैथेटर से ये स्पर्म्स उसके यूट्रस के अंदर डाल देते हैं. सो इट इज़ जस्ट लाइक नेचुरल प्रेगनेंसी जहाँ पे एग रप्चर होके अपने आप ट्यूब में आ रहा है, बस हम स्पर्म का रास्ता छोटा कर देते हैं कि स्पर्म को ट्यूब में कम रास्ता ट्रैवल करना होता है, वहीं पे एग और स्पर्म अपने आप मिलते हैं ट्यूब में नेचुरली और नेचुरली ही ट्यूब स्पर्म बेबी को यूट्रस में फेंक देती है. सो दिस इज़ एन आईयूआई. आईयूआई में नेचुरल प्रेगनेंसी से 10% चांसेस बेटर हो जाते हैं टू कंसीव. सो स्पेशली इन पेशेंट्स ऑफ पीसीओडी या फिर जिन कपल्स में स्पर्म की मोटिलिटी कम है यानी कि स्पर्म्स की जो हिलने की कैपेसिटी होती है वो कम है, इन केसेस में आईयूआई बहुत हेल्पफुल है. ओके यानी कि एक तरह से ये स्पर्म के लिए एक इजी रास्ता बना देता है रप्चर होने के लिए, कम ट्रैवल का जो डिस्टेंस है वो कम कर देता है. ओके सो इसके अलावा एक टॉपिक जो प्रेगनेंसी है वो एक टर्म है जो काफ़ी उसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। बिल्कुल। एक तो सबसे पहले ये है क्या, और दूसरा ये क्यों होता है? ओके, सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस में नहीं है, और यूट्रस के अलावा वो बाहर कहीं भी हो सकती है। वो ट्यूब्स में हो सकती है, यानी ट्यूब में बच्चा फंस गया, ओवरीज में हो सकती है या ओवरी में बच्चा हो गया, या वो पेट में भी गिर सकता है। एब्डोमिनल प्रेगनेंसी कहते हैं उसको। सो जब आप प्रेग्नेंट हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले अपना एक बीटा एचसीजी कराओ। बीटा एचसीजी इज़ अ हार्मोन टेस्ट जो ये बताता है कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं, और फिर हमें उसका डबलिंग टाइम देखना होता है आफ्टर 48 आवर्स कि वो डबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, एंड एक अल्ट्रासाउंड देखने के लिए कि आपका बेबी और सैक यूट्रस के अंदर है या वो बाहर है। सो आईवीएफ में भी कुछ केसेस, कुछ मिनिमल चांसेस होते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, इसीलिए हम लोग बहुत अर्ली मॉनिटरिंग स्टार्ट कर देते हैं जैसे ही पेशेंट प्रेग्नेंट होता है, टू नो कि प्रेगनेंसी अंदर ही है, सेफ है, बाहर नहीं है। तो डॉक्टर, क्या कॉन्ट्रासेप्शन की वजह से इसका खतरा है? कभी कभी कॉन्ट्रासेप्शन की वजह से हो सकता है, कभी अगर आपने, आपको मैंने वो बताया था कि सेप्टम होता है यूट्रस के अंदर, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से हो सकता है। सो देयर आर लॉट ऑफ कॉजेज व्हिच लीड्स टू एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मतलब इसके भी, लेकिन इसको क्योर करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, दवाई से या सर्जिकली, बट जितनी जल्दी डिटेक्ट कर लो उतना अच्छा है, बिकॉज एक्टोपिक प्रेगनेंसीज रप्चर भी कर सकती हैं एंड देन इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। ओके, सो डॉक्टर, हम आईवीएफ की बात कर रहे हैं और हमने उस जर्नी की बात की जब तक आपको आईवीएफ अच्छे से कंसीव हो जाए, हमने उसकी तो बात कर ली, लेकिन आपने एक बार कंसीव कर लिया और आगे वो सक्सेसफुल हो, अच्छे से डिलीवरी हो जाए, उसको कैसे आप लोग मेक श्योर करते हैं? और दूसरी चीज़ कि क्या कोई चांसेस होता है कि उस जर्नी में भी मिसकैरेज हो जाए या फिर वो फेल हो जाए प्रेगनेंसी? बिल्कुल। सी, आईवीएफ आपका एक बार पॉजिटिव आ जाए तो मेरे लिए आईवीएफ पॉजिटिव बीटा एचसीजी की वैल्यू या वो दो लाइन नहीं है। मेरे लिए आईवीएफ पॉजिटिव मतलब मैं एक हेल्दी बेबी डिलीवर करके दिलवा दूँ, वो मेरे लिए एक आईवीएफ कंसेप्शन है। लेकिन डेफिनेटली बहुत सारे स्टेप्स होते हैं कि 6 वीक्स पे हम हार्ट बीट देखते हैं, उसके बाद हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं लाइक अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। नॉर्मली 11 वीक्स पे हम एक NT-NB स्कैन करते हैं, एक ड्यूल मार्कर करते हैं टू नो दैट देयर इज़ नो जेनेटिक प्रॉब्लम। 20 वीक्स पे का नॉर्मली स्कैन होता है एंड देन फ्रीक्वेंट स्कैन्स करके वी डिलीवर द बेबी। इट कैन हैपन लाइक अ नॉर्मल प्रेगनेंसी कि आईवीएफ में भी अबॉर्शंस हो सकते हैं, हार्ट बीट स्किप हो सकती है, पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है। सो देयर आर चांसेस वेयर इवन आफ्टर आईवीएफ पॉजिटिव प्रेगनेंसीज अबॉर्शंस हो पाए। ओके, मतलब कि नेचुरल प्रोसेस की तरह यहाँ पर भी चांसेस है कि आपको मिसकैरेज हो सकते हैं। ओके, तो उसको कंट्रोल करने का क्या कुछ है? हम कुछ दवाइयाँ इंजेक्शंस पे रखते हैं, बट सी इट्स नेचर, जो चीज़ नहीं ग्रो कर रही है वो नहीं ग्रो करती है, एंड देन आप कितना सपोर्ट भी दे दो उसके बाद भी अगर नहीं कर रहा है, सो इट्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल कभी कभी। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर गौरी। आई थिंक यहाँ पर हमारे जितने भी सवाल थे उनके आंसर्स मिल गए होंगे, बट एंड करने से पहले अपनी तरफ से आप हमारी ऑडियंस को क्या कुछ बताना चाहेंगे और कुछ ज़रूरी चीज़ें जो उन्हें माइंड में रखना चाहिए? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको बेबी नहीं हो रहा है 1 ईयर ऑफ योर मैरिज और आप ट्राई कर रहे हो 1 साल से, आप प्लीज़ एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलें, लेडी डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट से नहीं। आई मीन, जो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपको गाइड कर सकता है राइट वे में वो ज़्यादा ज़रूरी है, एंड इसीलिए आज हम आईवीएफ डॉक्टर्स, फर्टिलिटी डॉक्टर्स यहाँ पर हैं ताकि हम आपको अवेयरनेस दे सकें कि अगर आपको बेबी नहीं हो रहा आप हमसे आके मिलिए। एंड देखिए, हर चीज़ में आईवीएफ नहीं है, अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है ना तो आप दवाई से भी कंसीव कराते हैं, हम IUI भी करते हैं, और भी बहुत अलग तरीके हैं जो आईवीएफ के अलावा चाहिए। सो हर चीज़ आईवीएफ नहीं होती है, इसलिए आप फर्टिलिटी डॉक्टर या हमारे आईवीएफ क्लिनिक से ना डरें। बच्चा नहीं हो रहा है तो आप पहले यहाँ पर आएँ। ओके, मुझे लगता है कि जो कुछ सवाल हमारे ऑडियंस के मन में थे या जो चीज़ें आईवीएफ से रिलेटेड है, जो मिथ्स थे वो अभी बस्ट हो गए होंगे, सबको जानकारी हो गई होगी, सारे आंसर्स भी मिल गए होंगे। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताइए। ऐसे और अमेजिंग वीडियोस, ऐसे और डिस्कशंस हम आपके लिए लाते रहेंगे ओनली ऑन नवभारत टाइम्स।